इतना दिन दो। एक मिनट आइडिया बता, आइडिया। मिशन पागलपंती, आपकी मोहब्बत को बचाने का एक ही रास्ता है, हमें बड़े साहब को पागल बनाना पड़ेगा। क्या डाड़ा को पागल करना होगा? तू पागल हो क्या? ये कोई आइडिया, हट, मुझे नहीं करना। अरे भैया जी, पूरी बात तो सुन लो। जब आदमी अपने होश खो बैठता है तो बहकी बहकी बातें करने लगता है। जैसे एक अल्जाइमर का पेशेंट आया था अभी, जो डॉक्टर दिया को अपनी बहू समझ रहा था। क्या बात कर रहा है? कब? मैं कहा था भैया जी, पेशेंट था। आप अपने प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ। सुनो, वैसे ही डॉक्टर दिया के सामने हमें किसी तरह ये साबित करना होगा कि जो आदमी आपको बेटा बेटा बोल रहा था वो अपने होश खो बैठा था। हाँ? तब भी आपकी मोहब्बत सूली चढ़ने से बच सकती भैया जी। अब एक मिनट, ये जो तू सब बोल रहा है, ये होगा कैसे यार? अरे होगा होगा, क्यों नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। ये देखो, ये फोन अंदर का देखो, ये देखो, ये वही मंडली है जिनके साथ मैं पहले एक्टिंग किया करता था। भैया जी, एक से एक एक्टर, एक से एक एक्टर है, आप खुद उन्हें ऑस्कर दे देंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट, देख, डैडा को पागल साबित करना है ना, तो इनका क्या काम है? अरे पागल खाने में एक पागल थोड़ी रहता है, और जब पागल खाने की दीवार टूटती है भैया जी, एक नहीं दस दस पागल भाग जाते हैं, क्या समझे? बड़े साफ से भी एक्टिंग करवाएंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। चुप! तू मुझे धोखा कैसे दे सकता है ढोलकी के? ढोलकी? अरे मैंने आज तक तबला भी नहीं बजाया ना। शादी करने का झूठा वादा करता है। हा? जब शादी की घोड़ी पहले ही चढ़ चुका है तो मुझे क्यों ढोली में बिठाने के सपने दिखा रहा था? अरे कौन सी घोड़ी, कौन सा वादा, मेरी अब तक शादी नहीं हुई ना। छोड़ो, क्या हो रहा है ये? अब आप खुद ही पूछ लीजिए इससे, इसने क्या किया है? वेरी बैड दीनानाथ, वेरी बैड। दीनानाथ, किसी भी लड़के के साथ ऐसा करते हैं? दिया जी, आप भी? अरे पड़ोसी के बच्चों की कसम ना, मैं उसको पहचानता भी नहीं ना, पता भी नहीं ना कौन है ना, सच्ची ना। भैया जी दूसरा, चलो। कोई मेरे को बचाओ। अरे बिटिया, काहे जुलम कर रहा तो? हमरा पैसा, हमरा जमीन, हमरा खेत तोहर के पास रखा हुआ है, वो हमको वापस लौटा दे। हमरा बेटा बिरजू के देवे का है। अंकल, कौन सा जमीन, कौन सा खेत? अरे वाह यार टुल्लू, तेरे एक्टर्स तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार। कितनी बार आपको समझाया, मैं खुद भाड़े पर रहता है। अरे काहे को झूठ बोल रही है? सब लोगों का पैसा खा खा के इतना पैसा जमा करके रखा है, और कहती है कि भाड़े पे रहती है। तो भगवान का वास्ता है, अरे हमरा पैसा नहीं तो हमरा खेत, हमरा बिरजू का दही दे। अयो अंकल, क्या बोलते है तुम? अंगमा, क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग आदमी के पैसे नहीं लौटा रही हो, उनकी जमीन तुमने हड़प कर ली है। आप अपना हंगामा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम डाल रहे हैं? आप मेरे को जानते नहीं? मैं इसको नहीं जानती। कौन सा पैसा, कौन सा खेत? ये अंकल झूठ बोलता है, इज अ सिली, वही नहीं है। हाँ डॉक्टर दिया, वो लड़की भी मुझसे झूठ बोल रही थी ना, मैं भी उसको नहीं पहचानता ना, सच ना। क्या? क्या हो रहा है हॉस्पिटल में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है सॉल्व करो। अरे कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। हैंड्स अप तो है, अभी हाथ को क्या काट के छपरे में डाल दूं? अबे चुप रे, रे पोजीशन ले, कभी भी भागना पड़ेगा। तेरा क्या होगा डागा? सरकार, मैंने तो आपका नमक भी नहीं खाया, रहम करके मुझे गोलियां मत खिलाइए। चुप कर, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तू यहाँ का मालिक है डागा। डागा? डागा? नहीं सरकार, यहाँ की मालकिन दिया जी है। दिया? अबे शर्म नहीं आती लड़का होके लड़कियों के नाम रखते हुए? बहुत
सयाना बनता है तू है। तुझे तो मैं मुर्गा खिलाओगे? नहीं बनाऊंगा। चल मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन। बबलू ये मेरा मुर्गा है, आदमी है, मेरे लिए अंडा देता है, काम करता है। ये तेरा आदमी है, तेरे लिए सारे काम करता है, ठीक है? तो एक काम कर, तू ठग बैठक कर। अब किससे करवाएगा तू, किससे करवाएगा है? चल एक दो तीन। ये क्या हो रहा है? मैडम दस्तक है। एक मिनट, ये आप क्या कर रहे हैं? हमसे सवाल? हमसे? हम इतने बड़े चौकीदार थानेदार हैं, हम इंस्पेक्टर डाकू वल्लभ सिंह पटेल। हमसे सवाल कर रही हो तुम? हमसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे चिंता मत करो, एम्बुलेंस होगा। हटने को नहीं भागने का है। कमाल हो गया दिया जी, पहली बार पुलिस के सायरन पे पुलिस को भागते हुए देखा, ये हो क्या रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीनानाथ, दीनानाथ, क्या तू ये सब तेरी प्लानिंग थी? अरे और नहीं तो क्या, ये सब नाटक मेरा किया हुआ है। ये सब भाड़े के एक्टर्स हैं, हाँ, जो पागल बन बन के आ रहे हैं। अरे ये पागलों की वेशभूषा परेड काई को करा रहा है? तेरी भाभी को पाने के लिए पगले। उस दिन डैडा आए थे ना हॉस्पिटल में, तो दिया जी के मन में शक पैदा हो गया था। बस उसी शक को दूर करने के लिए एक एक करके एक्टर्स आ रहे हैं पागल बन बन के। फाइनली डैडा आएंगे पागल बन के और दिया जी का शक दूर हो जाएगा। कैसा लगा तेरे भाई का प्लान? वाह वाह, लोमड़ी जैसी सोच, हिटलर जैसा दिमाग और शकुनी जैसी चाल चली है तूने। ये तू मुझे इज्जत देके मेरा कचरा कर रहा है या कचरा करके मेरी इज्जत कर रहा है? अरे गुरु चल हो जाए शुरू, मामला फिट है, प्लान हिट है। भैया जी अब बारी है क्लाइमैक्स की, मैं जल्दी से चेंज करके आ रहा हूँ, तब तक आप बड़े साहब को फोन करो और बुला लो। आप उन्हें शाम को भेज दीजिए, मैं चेक कर लूंगी। ऑल राइट, थैंक यू। दिया जी आप सुबह से मुझसे एक ही सवाल पूछ रही हैं, जिसका जवाब मैं अभी तक आपको नहीं दे पाया। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, इसीलिए मैं सुबह से उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो बेटा बेटा बोलता हुआ मुझे इस हॉस्पिटल में आया था, लेकिन अफसोस कि वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। डॉक्टर दिया मुझे बचाइए ना, एक तो कोई सुबह एक लड़की आई थी वो मुझे अपना पति पति बुला रही थी, अभी उसका बाप भी आया है ना। क्या डॉक्टर, प्लीज सेव मी, डॉक्टर प्लीज सेव मी। वो आदमी वापस आ गया, बोलता है जमीन वापस दे दो। ये क्या हो रहा है सुबह से हॉस्पिटल में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब लेकिन मेरी समझ में आ रही है ये सब क्या हो रहा है। हा? अरे सुबह से इस अस्पताल में जो उटपटांग हरकतें हो रही हैं, उस फसाद की जड़ ये है। ओ! मेंटल अस्पताल से कुछ मरीज भाग गए हैं। एक मिनट, वो जो सुबह मुझे अपना बेटा बेटा बोलता हुआ था, कहीं वो भी तो इस पागल खाने से भागा होता नहीं है? बेटा ये कौन है, चलो देखते हैं। बेटा तू सीढ़ियों से गिर गया, तू ठीक तो है बेटे? हाँ, अपना पैर दिखा, ये पैर तो ठीक है, ये दिखा, ये भी ठीक है, कहीं सर पे चोट तो नहीं लगी, सब भी ठीक है मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो बेटे? बेटे क्या बेटा, कैसा बेटा, किसका बेटा, कहाँ का बेटा? बेटा मैं नहीं हूँ, बेटा वो है। तेरे सिवा मेरा दूसरा बेटा हो ही नहीं सकता। देख बेटे तेरे बिना ये बाप ना तुम्हारा मर जाएगा।
बहुत खुश नसीब हूं मैं कि आप जैसे डॉक्टर मिला है मुझे। तुमने मेरे बेटे को ठीक किया, देखो तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ना। हम मेरे लाडले मेरी जान, चल चल के हम ना कुछ खेलते हैं। ले मांझा पकड़ और मैं पतंग उड़ाता हूं। ढील दे। अरे अरे वो पतंग वो खंबे पे अटक गई ना, उसको निकालना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा। हाँ चलो ना। तो चलो। हाँ मान जा पकड़। देखा डॉक्टर दिया आपने, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। ये आदमी पागल खाने से भागा हुआ ही था। और मैं इन्हें आपका पिता समझ बैठी, बेफिजूल आप पर शक कर बैठी। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आपकी गलत फहमी तो दूर हो गई, वरना मेरे दिल का अरमान मेरे दिल में ही रह जाता आपको पाने का। अब समझाने का अरमान दिल का दिल में ही रह जाता, वरना आप तो यही समझती कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं ही नहीं। गरीबी की चादर मैंने कभी ओढ़ी ही नहीं, लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर मैं कभी पढ़ा ही नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी डॉक्टर रणबीर, मैं आपको गलत समझ बैठी। नहीं प्लीज, सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी एक शाम जिसमें आप मेरे साथ जाम जी आराम से बैठकर कॉफी पियेंगे, आप और मैं कॉफी में। अब तो पीनी ही पड़ेगी ना। वाह 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 टुल्लू वाह, अरे तेरे मिशन पागल पंती ने तो कमाल कर दिया, आग लगा दी तूने तो यार। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। लेकिन एक बात कहूं भैया जी, हाँ? आपको थैंक यू सिर्फ मुझे नहीं, हाँ? उस नत्थू के बच्चे को भी बोलना चाहिए। क्यों भैया जी, वो जैसा भी हो लेकिन जब आपने भाभी जी के सामने दौरा पड़ने का नाटक किया था तभी आपको उनके सामने उसी ने बचाया था। सीधा खड़ा रहे ना। हाँ यार वैसे तो बात तो ठीक कह रहा है, भले वो गुंडा मवाली हो लेकिन हरकत उसने बड़े दिल वाली की है। थैंक यू करना तो बनता है। चल भैया जी क्या कर रही हो, किधर जा रही हो? थैंक यू बोलने नत्थू को। अरे ऐसे चार लोगों के बीच उसका गुणगान गाओगे ना भैया जी, चन्ने के झाड़ पे चढ़ जाएगा। चुपचाप जाओ और उसके तकिए के नीचे थैंक यू वाले ग्रीटिंग कार्ड रख के आओ बस। हेलो, सब ठीक है ना? गुड। नहीं बिस्तर पे तो नहीं है, अभी रख देता हूँ चुपके से। थैंक यू के लिए। तकिए के नीचे नहीं, ब्लैंकेट के नीचे सही रहेगा। नहीं 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 नहीं, शावर में रख देता हूँ। नहीं यार तकिए के नीचे रख देता हूँ। थैंक यू नत्थू। रणवीर के बापू, डैडा का नंबर इसके पास कहाँ से आया? नत्थू गेम कर गया मेरे साथ, धोखा। थैंक यू, माय फॉल्ट। वेलकम, एक भाई के कैबिन में दूसरे भाई का वेलकम है। क्या बात है, एक मिनट अलाउ मी। अरे आई आई, मेहरबानी मेहरबानी भाई, रिलैक्स होके बैठिए आराम से, आप भी रखो, फील फ्री। हाँ फील फ्री रिलैक्स। खुश तो है ना आप? अब मेरा मतलब भाई बच गया आपका? बहुत, अरे बहुत। जैसा अपुन का बचने पे तुम खुश होएला था वैसे तुम्हारा बचने पे अपुन खुश होएला है। वैसे आप भी खुश हुए थे कि नहीं जब अपुन यहाँ से निकलने से बच गए थे? हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, मैं बहुत खुश हुआ था। जैसी मुस्कुराहट, जैसी हंसी,
आज आपके चेहरे पे है, तब ऐसी मेरे भी चेहरे पे थी। ए? जी अच्छी बात है, दोनों भाई एक दूसरे की खुशी पे इतना खुश है। हाँ, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती। बिल्कुल हाँ, लेकिन एक खुशी की बात और भी है। आज ही मैंने अपने फोन पर अनलिमिटेड टॉक टाइम का ऑफर लिया है, तो अगर आपको कहीं पे भी फोन करना हो तो आप कर सकते हैं। अरे आपका कुछ सामान गिर गया है। हाँ मैं उठाता हूँ, एक मिनट। अरे पापा का नंबर है, रणवीर के बापू। ये टुलेंद्र भी ना, आजकल के लोग कुछ भी वाहियात लैंग्वेज यूज करते हैं। नहीं इसको पता चल गया है कि इसकी लाइफ में जो लोचा हुआ है उसकी स्टोरी अपुन ने लिखी थी, शायद इसलिए अपुन की ये फिरकी ले रहा है। जैसे क्या है रणवीर बाबू, आपका जो ये टेबल है ना, देखो खिड़की के पास है, तो क्या है जब तेज हवा चलती है ना तो पेपर वेपर बहुत उड़ता होगा ना, तो उस पर अगर वजन रखने के लिए कुछ चाहिए तो अपने को बोलेगा। फिलहाल मैं आपके लिए ये पत्थर लाया हूं, इससे काम चलाने का, बहुत वजनदार है। वैसे नथू जी एक बात तो पक्की है कि आज के बाद मैं अपने आप को कभी भी नैसर्गिक कारणों में तो कभी फंसने नहीं। नहीं सर, क्या नैसर्गिक मतलब नेचुरल। हाँ सही है, आज के बाद अपुन भी नसीर ग्रिक कारण नैसर्गिक। हाँ भाई, कारण की वजह से दिया जी के सामने पकड़े नहीं जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, रात गई बात गई। नया दिन नई शुरुआत। तो आज से फिर दिया जी को पाने के लिए अपुन रेस में दौड़ेंगे। हाँ लेकिन फिनिशिंग लाइन पे तो पहले मैं ही पहुंचूंगा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि दिया जी और मेरी शादी की मुबारकबाद देने के लिए सबसे पहले तो तुम ही पहुंचोगे ना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई और दिया जी तेरी भाभी है पगले। तुझे बड़ी भोली बातें करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आशीर्वाद देगा और किसकी भाभी बनेगी। डॉक्टर दिया सब ठीक कर देगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन अंकल पहले ये बताओ, ये इसका हालत ऐसा कैसा हो गया? डॉक्टर दिया, ये मेरी भतीजी है मोंजलिका। मोंजलिका एक डांस कंपटीशन कर रही थी, सिलेक्ट भी हो गई लेकिन फाइनल में हार गई। उस हार का ऐसा बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और आज तक ये सदमे में ही है, और ये विनर का पट्टा तब से उसके साथ है। ये कितने दिन पहले की बात है? एक हफ्ते पहले। देखिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ कि आप मेरी भतीजी को ठीक कर देगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी भतीजी ठीक हो सकती है। इसका डांस का जुनून वापस लाना होगा, इसके सामने डांस करना होगा। डॉक्टर दिया, मैं इसे नोच के दिखाएगी। अंगमा, इसे नोचना नहीं है। अरे डॉक्टर, वो नोचना नहीं, नोचना नाचूंगी। अयो मैं क्या कुछ गलत भूली? अब आप देखना हंगामा कैसे नोचती है। बस करो। देखो इसे कैंटीन वाले हॉल में ले जाओ, ठीक है? इसके सामने ऐसा डांस करना होगा जिसकी वजह से इसका डांस का पैशन वापस आ जाए और ये सदमे से बाहर आ सके।
डॉक्टर मैं नाचेगा? नहीं मैं। जाना कुछ काम धंधा करना, चल जा। नथु आज भी बचा हुआ संतरा नहीं खाता, रख ले। वाह क्या बात है, मेरे सपनों की रानी को डांस भी आता। डॉक्टर दिया, म्यूजिक सिस्टम रेडी। थैंक यू। थिरक थिरक की थिरक रिली, मटक मटक के मटक रिली है, लेकिन एक ही बात अपने को खटक रिली है, कहीं और रणवीर का बच्चा इधर ना आ जाए, वो कैसे आएगा? उसको खबर क्या, भनक तक नहीं पड़े लिए कि दिया जी इधर डांस कर रही है। आ, कमाल है यार, दिया जी अपने कैबिन में भी नहीं है। हाँ गए। हेलो, अरे दीनानाथ, दिया कहाँ है? आप डॉक्टर दिया को देखा कहाँ है? डॉक्टर दिया ना? हाँ वो तो उधर है ना। उधर किधर? उधर, अरे वो कैंटीन के बाजू में हॉल है ना। हाँ वहाँ पे डॉक्टर दिया डांस कर रही है ना। मेरे बगैर? हाँ नहीं, अकेले डांस कर रहे हैं। नहीं, केस आई है ना। हाँ तो? मंजुलिका बहुत अच्छी डांसर थी ना, कॉम्पिटिशन हार गई, फिर क्या सदमे में चली गई ना, उसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर दिया डांस कर रही ना। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। हाँ हाँ आप वहाँ नहीं जा सकते ना। क्यों? वहाँ पे किसी को भी जाना मना है ना। क्यों? अरे डॉक्टर दिया उस पेशेंट को डांस थेरेपी दे रही है ना। क्या नाचती है डॉक्टर दिया, टैलेंट लाइक भारी ना। शराब शर्म नहीं आती डॉक्टर दिया के बारे में ऐसा बोलते हुए? हा? और खबरदार अगर उन्हें नाचते हुए देखा तो, उन्हें सिर्फ नाचते हुए मैं देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ पेशेंट को, उन्हें जाके चेक करता हूँ। मैं इधर है ना। हा? मैं चाहता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.